ये देख लो मेरे साथ साथ. अ मैथमेटिक्स मॉड्यूल इज असेस्ड बाय एन एग्जामिनेशन एंड बाय कोर्स वर्क. द एग्जामिनेशन मेक्स अप 75% ऑफ द टोटल एंड कोर्स वर्क मेक्स 25%. एग्जामिनेशन के मार्क्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताई हुई है. कोर्स वर्क को बेटा हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया हुआ है हमें. ठीक है, एग्जामिनेशन के मार्क्स और कोर्स वर्क जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, और हमने फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड कर्व करना है. चले 0.275x प्लस 0.25y. जी हमने याद है इक्वेशन बेस में पढ़ा था. अब वो मीन में तो हमें पता है वो होता है, सिर्फ वेरिएंस का मसला आता है कि कब हमने स्क्वायर से बाहर मल्टीप्लाई करना है कब नहीं करना. और हमने एक रूल पढ़ा था कि जो इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा क्या हुआ करेंगी, वो मल्टीपल्स हुआ करेंगे. इक्वेशंस हमेशा मल्टीपल हुआ करेंगे. ठीक है, चलो लेट स्टार्ट. डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं हम क्वेश्चन में से. सो हम कहते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो एक्स है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, और उसकी है जी हमारे पास 53.2 मीन है उसका, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 9.3, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.3 स्क्वायर. फिर हमारे पास वाई है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और उसका मीन हमें दिया हुआ है 78.0 और स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा 5.1. ऑलराइट, अब देखो एग्जामिनेशन मार्क्स एंड कोर्स वर्क्स मार्क्स आर इंडिपेंडेंट. ठीक हो गया, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस. अब हमने कहा था कि जब भी इक्वेशन हुआ करेगी तो वो मल्टीपल्स हुआ करेंगे एक दूसरे के. सो हमारा जो न्यू वेरिएबल है जो टोटल है कंबाइंड है या टोटल है, टोटल को हम बोल देते हैं, टोटल है 0.75x प्लस 0.25y. तो अब हम इसका जब मीन देखना चाहते हैं तो इफ आई वांट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टोटल, सो दैट वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 0.75x प्लस 0.25y. तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगी 0.75 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 0.25 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y. मुझे जरा कैलकुलेटर पे थोड़ा सा असिस्ट कर दो जी. सो दिस विल बी 0.75 टाइम्स 53.2 प्लस 0.25 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई. देख लें जी यहाँ पे हमारे पास है कितनी थी यार, 78 थी, तो यहाँ से आ जाएगा 59 में दिया, थैंक यू बच्चा, 59.4 आ जाएगा. ओके वेरियंस के ऊपर आ जाओ, वेरियंस के ऊपर आ जाते हैं. सो वेरियंस ऑफ जी वेरियंस देख लें होगी 0. ऑफ टोटल विल बी इक्वल टू वेरियंस ऑफ 0.75x प्लस 0.25y. सो दिस विल बिकम ज्यादा कर लेते हैं जी. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.75 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 0.25 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि ये मल्टीपल्स हैं. ठीक है, इक्वेशन हमेशा मल्टीपल्स हुआ करेंगे. सो दिस विल बिकम 0.75 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स 9.3 स्क्वायर प्लस 0.25 स्क्वायर टाइम्स 5.1 स्क्वायर. ठीक है, और इसका हम टोटल कर लेंगे 50.276. ठीक है, ऑल राइट. अब हम क्वेश्चन फोर करते हैं. हाँ एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन फोर कहाँ गया अपना, अब वॉशिंग मशीन वाला करते हैं.
ओके जी, लेट्स ट्राई. अ सर्टेन मेक ऑफ वॉशिंग मशीन हैज अ वॉश टाइम ऑफ विद मीन 56.9 एंड सर्टेन डेविएशन 4.8. अ सर्टेन मेक ऑफ टंबल ड्रायर हैज ड्राइंग टाइम विद मीन दिस एंड सर्टेन डेविएशन दिस. बोथ टाइम्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट. सर प्रीवियस फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन. एक से हमने क्या फाइंड करना था? ओ मैंने वेरियंस फाइंड किया अभी. सॉरी मैंने क्वेश्चन मिसरीड किया हुआ गाइस. ये वेरियंस आई हुई है ना, तो मुझे बताना स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगी. सॉरी, थैंक यू. स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी बेटा अंडर रूट ऑफ 50.276. चलो जी अगले में आ जाओ. A certain make of a washing machine has a wash time with mean 56.9 and a standard deviation of 4.8. A certain make of a tumble dryer has a drying time of mean itna and standard deviation itna. Both are normally distributed independent of each other. Achha, ab karna kya? Find the probability that a randomly chosen wash time differs. Differs kya tha bhi? This was the keyword for your modulus. Differs more than 3 minutes from randomly chosen drying time. Okay, chalo lo 6 marks hain. Zara main I want ki tum log 2-3 minutes lo iske upar. Zara 2-3 minutes le lo. Bas wo modulus ke jo basic rules hain wohi yahan pe bas use hone hote hain. Unko tang karna hai. All right, so we know कि हमारे पास दो चीजें हैं. एक वॉशिंग मशीन है. वॉशिंग मशीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 56.9 और 4.8 उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है. उसका स्क्वायर जी. और हमारे पास साथ ही ड्रायर्स हैं विच इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 61.1 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 6.3 आई थिंक 6.3 का स्क्वायर. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब हमने करना क्या है? बोथ टाइम्स आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक हो गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे डिफर बाय दिस. सो बेसिकली हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस. डिफर करेंगे मॉड्यूलस होगा ऑफ डब्ल्यू माइनस डी इज ग्रेटर देन 3. So, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज है ये स्प्लिट होगी दो इनइक्वालिटीज में. सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ w माइनस d ग्रेटर देन सॉरी लेस देन माइनस 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ w माइनस d ग्रेटर देन पॉजिटिव 3. ठीक है. और अब हम आ जाएंगे w माइनस डी क्यों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं. सो हम w माइनस डी का डिफरेंस को हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि डिफरेंस या तो माइनस 3 से छोटा होगा या डिफरेंस जो होगा बिगर होगा उससे. सो लेट्स लुक एट w माइनस डी की दो चीजें निकाल लेते हैं उसकी. एक तो उसका मीन निकाल लेते हैं. मीन विल बी इक्वल टू जी एक तो मीन निकाल लेते हैं और एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू माइनस डी आ जाएगा या डी माइनस डब्ल्यू कर लें. ठीक है. और हमारे पास आ जाएगा बिगर में अच्छा अब क्योंकि ये डिफरेंस का मॉड्यूलस हुआ होता है तो उससे हमें उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके वैल्यू के ऊपर. लेकिन अब हम क्योंकि मीन निकाल रहे हैं तो मीन हमें बिगर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास मीन अदरवाइज नेगेटिव आएगा. तो आई थिंक हम शुरू से ही उसको ठीक रख लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो पॉजिटिव आना है. मीन टाइम जो है ना वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए. वेट लेट मी फिक्स दैट. मुझे इस डिफरेंस ना शुरू में देख लेना चाहिए था कि बिगर वैल्यू में से स्मॉलर बाद में माइनस करनी पड़ेगी. सो मीन बिगर था उसका डी का माइनस डब्ल्यू कर लेते हैं. सो डी माइनस डब्ल्यू क्योंकि डिफरेंस है तो डिफरेंस बिगर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देते हैं. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू. सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी
माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी आ जाएगी हमारे पास 61.1 माइनस 56.9, हमारे पास मीन आ जाएगा भाई 4.2 का, ये हमारा म्यू आ जाएगा, दिस विल सर्व एज म्यू, और हमें वेरिएंस भी चाहिए, वेरिएंस आ जाएगी वेरिएंस ऑफ डी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और अब हमें पता है कि वेरिएंस के फॉर्मूला में कभी माइनस नहीं आता, तो वो इन एनी केस प्लस हो रहे होंगे, सो दिस विल बी वेरिएंस ऑफ डी प्लस वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू, सो दिस विल बी 4.8 स्क्वायर माइनस प्लस 6.3 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 62.73। थैंक यू भैया। अच्छा जी, वेरिएंस आ गई हमारे पास यहाँ से। ऑल राइट, अब हम ये दो प्रॉबिलिटीज फाइंड करना चाहते हैं, और इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो ये दो हम नॉर्मल के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। ये एक जी यहाँ से निकाल लेते हैं एक दफा, सो जी विल बी इक्वल टू एक्स है जी माइनस थ्री माइनस म्यू 4.2 ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 62.73, और यहाँ से जी निकाल लेते हैं 3 माइनस 4.2 ओवर अंडर रूट ऑफ 62.73। ठीक है, हमारे पास दो जी आ जाएंगे, सो एक तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लेस देन दिस नंबर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अच्छा जी, एक दफा जी की वैल्यूज देख लेते हैं, जी की वैल्यूज मुझे बता दो, पहली वाली है माइनस 0.909 माइनस 0.1515, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स ब्रिंग आवर डायग्राम। ऑलराइट जी, ओके जी, माइनस 0.909 से ग्रेटर चाहिए, एक सेकेंड हमें, फिर नेगेटिव जी है तो मैं उसको करना पड़ेगा ठीक बाद में भी। और मैं बता देता हूँ, मैं दोबारा क्यों बनाएंगे, सो बेसिकली हमारा माइनस 0.909 से लेस देन रहना है आपने, तो आपको ये वाला रीजन चाहिए, आपको इसके लिए फ्लिप करना पड़ेगा, आपका रीजन जाएगा 0.909 यहाँ आ जाएगा और उसके राइट साइड पे जाएगा, इसी तरह हम माइनस 0.1515 को मैं 152 कह रहा हूँ, इफ इट इज 1515 ना, तो 152 हो जाएगा, हमें उससे ग्रेटर देन का ये वाला रीजन चाहिए, तो हमें नेगेटिव नंबर की वजह से फ्लिप करना पड़ेगा, 0.152 पे आना पड़ेगा, और हमें ये लेफ्ट वाला रीजन चाहिए। तो अब चलें टेबल देखें, 0.909 के ऊपर टेबल देख के बताओ मुझे क्या आता है, 0.909 टेबल में खोल लूं, ओके वेट, ओके हाँ ढूंढना है 0.909, सो दिस इज 0.909, सो 8159 प्लस 23 करना, 8159 प्लस 23 8182
0.1, 5, 2. So that would be 15596 plus 8. 15596 plus 8. मुझे बताने यार कितना आता है? So ये रीजन आ गया 0.5604. तो ये डायरेक्ट यही रीजन है. इसके बीच में और था तो दैट मींस हमने इन दोनों को ऐड करना है. सो दिस विल बी 0.1818 प्लस 0.5604. सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.7422.